तो आज जो है आप लोगों की क्लास शुरू होगी पांचवी। तो पांचवी क्या है, पहली तो थी आप लोगों की व्यंजन, एक तरफ से चल रहे व्यंजन। दूसरे पर है आप लोगों की मिलावट, तीसरे पर थी आपके स्वर, चौथे पर हो गई आप लोगों की दो या तीन स्वर एक साथ आने पर क्या करना है, और फिर पांचवी है बहुवचन। क्या है, बहुवचन। थोड़ा सा इसको पकड़ के चलेंगे, ठीक। और छठा रहेगा शब्द चिन्ह। यहां क्या है, ये बेसिक रहेगा। कहने का मतलब है ये छह आपने ढंग से कर ली अभ्यास, फिर आगे तो छोटे करने के अभ्यास, ठीक है। 19 जो अभ्यास रहेंगे वो शब्द को छोटा करने के। मैंने आपको यहाँ पर बैंगिंग सिखाया, फिर मिलावट में आप लोगों ने समर्थन लिखना सीखा था। तो समर्थन आप लोग अभी तक ये लिख रहे थे, श्यामा राधा, ये लिख रहे। लेकिन आप जैसे ही 13 अभ्यास में पहुंचो, समर्थन आप लोगों का ये हो चुका। इनसे आगे की यहाँ बेसिक तैयार हो गया आप लोगों का, और इससे आगे की जो है वो छोटे करने की रहे, ठीक है। तो आप यहां से दुनिया का हर शब्द लिखना सीख जाओगे, हर चीज लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या है, बड़ा बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहे होंगे। इसके आगे की जो अभ्यास रहेंगे वहां से हम छोटा कर सकते हैं। बेसिक जो कहलाता है यहां तक कहलाता है। तो यहाँ को इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ के चलेंगे। जिसको दिक्कत आए मैंने आपको नंबर दे रखा है, वहां से आप करते चलेंगे। तो आज पांचवी, तो पांचवी में देखो क्या होना है, बहुवचन। बहुवचन क्या है, जैसे नॉर्मल शब्द है कार, अब इसका बहुवचन क्या होगा, कारण, और होगा कार। देखा आपने, नॉर्मल शब्द है, नॉर्मल शब्द, ये नॉर्मल शब्द, ये चीज आई बहुवचन हो गया, ये शब्द, ये चीज आई हिंदी में और बहुवचन हो गया शब्द। तो ऐसे ये चीज आ रही है और शब्द को बहुवचन बना रही है। तो ऐसे शॉर्ट हैंड में भी कोई चीज आवे और बहुवचन बना दे। तो पहले तो ये जान लेते कि हिंदी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मल शब्द को बहुवचन बनाती है। तो जे ये है, जैसे किसी भी शब्द के एंड में लास्ट वाले अक्षर पर ये मात्रा और बिंदी आता है, या और मात्रा और ये आ जाए, या फिर ए चंद्र बिंदी आ जाए, या चंद्र बिंदी आ जाए, तो वो सब बहुवचन हो चुका होता है। या ओ की मात्रा और बिंदी आ जाए, या ओ की मात्रा और बिंदी आ जाए, या फिर ओ और इस पे बिंदी आ जाए। देखो बिंदी शब्द पे, बिना बिंदी के शब्द बहुवचन ना होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे आप, ठीक। ये चीज आती है उठ के और बहुवचन उसको बना देती है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, इनके जगह शॉर्ट हैंड में भी कोई चीज जावे और उसको बहुवचन बना दे। तो करेंगे क्या, हम इन सब के लिए अलग से ना से नल, ना से नल शब्द के नीचे बना दे। कैसे, जैसे मूल शब्द लिखा हमने कार, कार, काम। अब शब्द के नीचे जैसे ये उठ के गए, इस शब्द को बहुवचन बनाया, तो इन शब्द के लिए अलग से क्या दिया जा रहा है, ना से नल, और शब्द के नीचे ला जाके ना बना दे, ये शब्द हो जाएगा बहुवचन, कार और काम, ठीक है। अब देखेंगे कि सर ये अंतर है, यहाँ पर एक ही चीज दिख रही है, ये कैसे अंतर करेंगे। तो देखो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इन वालों में ओ की मात्रा है, तो ऊपर वालों के लिए तो ना ही देंगे, और इन वालों के लिए ना देकर वो सेकंड स्थान की ओ की मात्रा है वो भी दे देंगे, तो और स्पष्ट हो जाएगा, कारण, कार, कारण, कारण। अब आप कहेंगे सर ओ की मात्रा क्यों नहीं दी, ये चीज क्या है, बहुवचन ही तो है, और इनके लिए अलग से क्या दे दिया हमने, ना, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताएं, कारण और कारण बहुवचन शब्द कहाँ यूज होगा, दिमाग तोड़ा है थोड़ा सा, कारण शब्द या ये, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अभी तक जैसे ना ध्यान दें, तो मैं बताता हूं। इनसे ऊपर वालों से अगर शब्द बहुवचन बनता है तो बताने के लिए, क्या बताने के लिए, अगर इनसे बहुवचन बनता है तो ये बनता है बेटा प्रयोग में लाने के लिए, किसमें, प्रयोग में। आपकी हिंदी की वर्तनी भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है।
शॉर्टहैंड आप लिख रहे हैं और अनुवाद कर रहे हैं और बहुवचनों पे बिंदी ना दी, गड़बड़ हो गया, कट गया वो सब। सड़क लिखा, सड़क के नीचे डा के नीचे बिंदी ना दी, कट गया वो सब। तो इस बात का ध्यान रखें जो चीज वास्तव में है हिंदी में वही लिखना, ये बताने के लिए और प्रयोग में लाने के लिए क्या है। जैसे कारें, मैं कहता हूं बाहर कारें खड़ी हैं तो बता दिया, ये नहीं कह सकते बाहर कारों खड़ी। अब हम उनका प्रयोग करने लगे, हम सब कारों से जाएंगे, ये नहीं कह सकते हम कारों से कारें से जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में काफी नहरें हैं तो बताने के लिए, हरियाणा के किसान नहरों से खेती करते हैं, नहरें से खेती करते हैं नहीं होगा शायद। ठीक है, तो हिंदी में तो हमने अंतर कर लिया लेकिन इसमें भी अंतर तो आना चाहिए। तो कारें और कारों की मात्रा जब हमें दिखेगी तो वहां उसमें ना के नीचे वो की मात्रा भी हम दे देंगे। ठीक है, और जैसे बात समझ में नहीं आई कि सर आपने एक ही मात्रा क्यों दी, तो ये क्या है, ये ही तो बहुवचन है और इनके लिए क्या दे रहे हैं अलग से शब्द के नीचे ना। जैसे शब्द है नदी, क्या है नदी, और शब्द आगे नदियां, क्या है नदियां, शब्द आगे नदियों। देखो एक थोड़ा सा ज्ञान मोल लेंगे हिंदी में, जब भी शब्द कोई बड़े की मात्रा या बड़े की मात्रा से समाप्त हो और तो बहुवचन बने तो ये कुछ बदल जाएगा छोटी ई में और ये बदल जाएगा छोटे ऊ में, या तो कि बड़ी ई तो बदल जाएगी छोटी ई में और बड़ा ऊ बदल जाएगा छोटे ऊ में। ये क्या ड्रामा है, देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी जब बहुवचन बना छोटी ई में, ये हिंदी वर्तनी में अनुवाद करने पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो छोटी ई आ गई, जैसे शब्द है उल्लू और जैसे उल्लू होगा तो छोटी ई में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम शब्द बनाते हैं, मूल शब्द क्या है, नदी नदी और नदी। अब ये चीज आएगी इतनी उठ के और यहां पर ये आएगी और इनके लिए क्या बता रखा है शब्द के नीचे अलग से नाम, नदियां नदियों। लेकिन नदियों और नदियों में अंतर करने के लिए तो मैंने बता रखा है इन सब से बहुवचन बने तो ना सिर्फ, और इनसे बने तो उनके लिए अलग से ओ की मात्रा भी दे दें, स्पष्ट हमारा ये हो जाएगा। अभी तो आप ये देके चलेंगे बेसिक में, आगे जाके और छोटा सा हो जाएगा, समझ में आ गया, जो यहां आके आप लोगों का बहुवचन सेट हो गया। अभी रह गई बिंदियां, बिंदियों की अभ्यास होगी छठी अभ्यास के बाद, सातवीं अभ्यास आती है बिंदियों का ज्ञान के लिए। ठीक है, अभी क्या है हम स्वर और सारी अभ्यास सीखने के बाद में बेसिक से सारी चीजें लिखना सीखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का बहुवचन का अभ्यास यहाँ पर। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे और जब मैं शब्द दूंगा ना तो उनको बनाकर भेज देना, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक, तो इनके शब्द लिखें जो कि आपको बनाकर देने हैं, मुझको लिखेंगे पेड़ पेड़ों, पहाड़ पहाड़ों, महिला महिलाएं। और देखो सुनो, जहां भी इड़ा की आवाज आए उसके नीचे बिंदी जरूर देनी है। पहाड़ लिखा है, पहाड़ मत कर देना, बिंदी होनी चाहिए और पहाड़ों फिर ऊपर भी बिंदी देनी। ठीक है, महिला महिलाएं बिंदी आवेगी, महिलाओं पर बिंदी, मेज मेजें बिंदी आवेगी, मेजों बिंदी आएगी, परिवार परिवारों, नहर नहरें नहरों, मैदान मैदानों, किताब किताबें किताबों। ये हुआ आप लोगों का अभ्यास जो कि आप लोगों को करना है। अब बहुत से शब्द ऐसे हैं जहां ये ना लग के वो बहुवचन फिर भी कहलाते हैं, तो वहां क्या करेंगे सर आप, तो ये आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ तो आएगी ही आएगी आपके सामने। ठीक है, अब जैसे क्या है, कौन से ऐसे शब्द जहां पर जिस चीज ना आते हैं और वो बहुवचन होते हैं, तो वो ये रहे। जैसे हम बोलते हैं जिला, हम बोलते हैं कि मुरादाबाद जिले गए, मुरादाबाद जिले गए, ये शब्द गलत है, हम मुरादाबाद जिला गए, ये शब्द जिले में आ जाता है काफी। हम उत्तर प्रदेश के जिले गए,
ये भी है। मतलब सेंटेंस को ध्यान दें, क्या कहना चाह रहे हैं। हम मुरादाबाद जिले गए, गलत हो गया, हम मुरादाबाद जिला में गए। तो जैसे क्या है, जिला आगे सब, क्या आगे जिला, तो आपने जिला लिख दिया, लेकिन जिले आए तो ये बहुत लोग, सारे जिले की बात हो गई, तो जिले। अब यहाँ पर बहुवचन देने की जरूरत नहीं, यहाँ तो स्वरूप दे, स्वर देने, जैसे कपड़ा, तो कपड़ा, और सब आ जाए कपड़े, कपड़े तो क्या बहुवचन है, बिंदी ना होने पर भी देखो बहुवचन है, कपड़े, कपड़ा एक, कपड़े उठा लाओ तो काफी है। तो कपड़े में क्या करेंगे, कपड़े, यहां पर खाली स्वर देंगे, लेकिन अब आ जाए शब्द कपड़ों, क्या जाए कपड़ों, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, कपड़ों, यहां पर आप लोग उस पर बहुवचन वाला काम करते हैं। कपड़े पर नहीं देना, ऐसे जिले पर कोई नाम नहीं देना, ठीक है। अब ये दो शब्द थे, ये भी मैंने समझा दिए, तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जो मैंने अभी शब्द दिए हैं उनको बनाकर मुझको दिखा देंगे, ठीक है। तो अभ्यास आपकी 5 हो चुकी है, जो बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास कहलाती है, इनको आप लोग सुधार लिया, मतलब 6-7 अभ्यास आपने जो कंप्लीट कर ली, समझ लो आपका बेसिक तैयार है, उसके बाद फिर तो स्पीड ही स्पीड है, समझ गए सब। तो फटाफट ये बनाकर दिखाएं, अगले अभ्यास आपके, ओके।